अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं जुलेखा अल्फा, जुलेखा किचन से। आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी अल्लाह के करम से ठीक हूँ और आप लोगों की दुआ है। अच्छा, आज मैं बना रही हूँ बढ़िया सी रेस्टोरेंट स्टाइल फिश सैटे। वैसे मैंने मेरी चिकन सैटे माशाल्लाह 5 से 6 लाख के दरमियान व्यूज हुए हैं, आप वो भी चेक कर सकते हैं, बहुत ही बढ़िया है वो भी। और चिकन भी बनाया और मेरे साथ कमेंट सेक्शन में शेयर कीजिएगा। बट ये रेसिपी है एकदम थोड़ी हटके है, तो आज हम बना रहे हैं फिश, मछली के सैटे। प्रॉन सैटे भी बनाए, और हाँ प्रॉन सैटे भी, राइट, हमने प्रॉन सैटे भी बनाई है और वो भी बहुत ही मजेदार सी बनती है। लिंक डिस्क्रिप्शन के अंदर है, या फिर आप कहीं पर भी YouTube चैनल के सर्च बटन पे सर्च करेंगे प्रॉन सैटे, चिकन सैटे, फिश सैटे बाय जुलेखास किचन, डेफिनेटली आपको मिल जाएगी हमारी सारी रेसिपीज। तो चलिए क्विकली शुरू करते हैं। अच्छा, मैंने चिकन ही बोलते रहते क्योंकि चिकन ज्यादा हम बनाते हैं। फिश को, मच्छी को मैंने मैरिनेट करके रख दिया है, आप वो देखिए, तब तक मैं यहाँ लहसुन को काट लेती हूँ क्विकली। चलिए आप जाएं और देखें और मैं फटाफट यहाँ लहसुन काट सकती हूँ। ये है मच्छी, बोनलेस है, ये रावस है। आप चाहें तो पापलेट भी ले सकते हैं, आप कोई और दूसरी मच्छी भी ले सकते हैं। वैसे ये 750 ग्राम है, मैं इसमें से सिर्फ 250 ग्राम लेके इसके मोटे मोटे पीस कर रही हूँ। जैसे आप देख सकते हैं ये बोनलेस है, लेकिन आप कहेंगे आप बोनलेस कैसे बनाएंगे, तो आप चाहें तो घर में भी बना सकते हैं, या फिर आप जहां से लेते हैं डीलर या जहां से भी मछुआरों से या किसी कोलन से, तो आप उनसे ही कहेंगे तो वो आपको बोनलेस करके दे देंगे। अच्छा, अगर आपको चाहिए कि बोनलेस घर में कैसे बनाते हैं उसकी मैं एक रेसिपी डालूं, तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में कहिएगा, मैं आप लोग ज्यादा लोग होंगे तो जरूर मैं बताऊंगी। तो चलिए मैं 250 ग्राम जितने बोनलेस पीस कर लेती हूँ इनके, और इनको धो के नितार कर मैंने एक बाउल में डाल दिया है। अब इसमें ये देख सकते हैं आप, मीडियम पीसेस है, डाल देती हूँ इसमें नमक स्वाद अनुसार, आधा छोटे चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 1/4 छोटे चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 छोटे चाय का चम्मच शेजवान चटनी, 1 टेबलस्पून टमाटर सॉस, आधा छोटे चाय का चम्मच विनेगर और आधा छोटे चाय का चम्मच सोया सॉस। ये सारी चीजों को डालकर मिक्स कर लीजिए। अच्छा, मैं एक चीज डालना भूल गई, तो मैं मिक्स करने के बाद डाल देती हूँ, कोई बात नहीं। 1 छोटा चाय का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। ये सारी चीजों को डालकर मिक्स कर लीजिए और इसे ढक कर 1.5 घंटे के लिए साइड पर रख दीजिए, लेकिन ढककर फ्रिज में ही रखिएगा, बाहर बिल्कुल भी मत रखिएगा, मच्छी और झींगे को बाहर रखना ही मत, और हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा। चलिए, तो ये लहसुन कट चुके हैं, जैसे आप देख सकते हैं मैरिनेशन हो चुकी है, उसे होके 1 घंटा हो चुका है, और यहाँ थोड़ी सी मैंने प्रिपेरेशन करी है, मैं जैसे जैसे डालती जाऊंगी आपको बताती जाऊंगी। अच्छा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं तो कांडी कहती हूँ, आप स्टिक कहते हैं, मैं तो कांटी कहती हूँ। मैंने थोड़ी देर पानी में भिगा के रखा था और थोड़ी देर के बाद फिर मैंने उलट करके इसे फिर से पानी में भिगाने रहने दिया। तो ये इसके लिए करते हैं क्योंकि अगर हम डायरेक्टली कभी ग्रिल करते हैं या कभी तलते हैं इसे इसके कांडियों के साथ, क्योंकि सैटे है तो कांडी में जो है उसे डालना तो पड़ेगा ही, तो उसके अंदर वो जलते नहीं, ये स्टिक्स जो है ना वो जलती नहीं है, इसके लिए पानी में डाली जाती है। अगर आपने नहीं डालना है पानी, कोई बात नहीं, डायरेक्टली स्टिक्स में ही वीव कर लीजिए। चलिए अब मैं आगे बढ़ती हूँ। अच्छा, ये एक अंडा है, इसे मैं अच्छे से फेंट रही हूँ। यहाँ साइड पर मैरिनेटेड मच्छी जो है इसके अंदर अब हम डालेंगे बाकी के इंग्रेडिएंट्स। ये है 1 टेबलस्पून मैदा, अब डाल दीजिए 2 टेबलस्पून बर्गर कॉर्नफ्ला, और यहाँ पर ये जो अंडा है ना मैं पूरा नहीं डाल रही हूँ, आधा अंडा डालना है, और बहुत अच्छे से हल्के हाथ से मिक्स कीजिएगा क्योंकि मच्छी बहुत ही डेलिकेट हो जाती है, टूट फूट जाएगी, और हमें अभी भी फिलहाल स्टिक्स में कांडियों में डालना है। बहुत अच्छे से मिक्स हो जाए, मैं ना आधा छोटे चाय का चम्मच जितना हल्का सा लहसुन डाल रही हूँ बारीक कटा हुआ, आपने डालना है तो डालें, नहीं डालना तो स्किप कर सकते हैं। मिक्स कर लीजिए और ये जो कांडियाँ हमने साइड पर रखी है उन्हें निकालें और बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर उन्हें एक एक करके एक एक कांडियों में वीव करें, मतलब एक कांडी के अंदर आप 3 या 4 पीसेस इस तरीके से एक कांडी में डालें। अच्छा, ऐसे कुछ हिसाब नहीं है कि एक में 3-3 ही डालना है या 4-4 डालना है, हिसाब से अपने हिसाब से डालिएगा। मैंने देखा आपने 1 में 3 डाला, 1 में 4 डाला, डिपेंड्स उसकी साइज के अंदर कितना समा रहा है। अच्छा, ये सारी मैंने वीव कर ली ये स्टिक के अंदर, और ये जो मसाला जो बचा हुआ है ये इसके ऊपर मच्छी के ऊपर उलट पलट करते हुए लगा दीजिए। तो आपने देखा 250 ग्राम के अंदर 4 स्टिक्स बनी, और इसे अभी मैं साइड पर रख रही हूँ। एक फ्राई पैन में थोड़ा सा तेल डालिए, फास्ट आंच पर चूल्हा चालू कर दीजिए, जब तेल गर्म हो जाए तो मीडियम आंच कर दीजिए,
और इसके अंदर हमने जो मच्छी पिरो के रखी है ये जो स्टिक्स के अंदर, ये बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलकर डाल दीजिए। मैं दो डाल रही हूँ क्योंकि ये जगह नहीं है मेरे फ्राई पैन के अंदर और मेरा फ्राई पैन छोटा है। अब ऊपर से थोड़ा थोड़ा जो मसाला बचा है वो लगाते जाएँ और इसे तकरीबन 1.5 मिनट तक पकने दें। जब 1.5 मिनट हो जाती है तो इन्हें पलट दें और पीछे का साइड भी समझिए ना 1.5 मिनट तक पकाएं, तो टोटल कितने मिनट हो गए? 3 मिनट। और 1 मिनट उलट पलट करते रहे मीडियम आंच पर, तो आप देखेंगे लाइट गोल्डन ब्राउन हो चुकी है। मैं एक छोटा सा टेस्ट कर लेती हूँ, छुरी आसानी से चली गई मच्छी में, मतलब पक चुकी है। 4-5 मिनट में तो आराम से मच्छी पक जाती है। और वैसे तो ये बोनलेस है तो मैंने इन्हें निकाल कर नितार कर साइड पर रख दिया। इसी तरीके से बची हुई जो मच्छी है इन्हें मैं फ्राई कर लेती हूँ। और जो मसाला है याद रखिए बिल्कुल भी वेस्ट नहीं होना चाहिए और वो सारा लगा दीजिए। चलिए ये भी हो चुकी है और इन्हें भी मैं निकाल कर साइड पर रख देती हूँ। चलिए तो ये मेरी सारी फ्राई हो चुकी है मच्छी ये स्टिक्स के अंदर, आप देख सकते हो बढ़िया सी है। मैंने थोड़ी सी खा के भी देखी है, मजेदार सी लग रही है। अब बनाते हैं इसका सॉस क्विकली। सेम फ्राई पैन इस्तेमाल कीजिए, तो सबसे पहले तो आप तेल निकाल लीजिए एक प्याली में और फिर वही तेल आप फ्राई पैन के अंदर बड़े 2-3 चम्मच डाल दीजिए। चूल्हा फास्ट आंच पर चालू कर दीजिए और इसमें मैं डाल देती हूँ 1 से 1.25 टेबल स्पून भरकर बारीक कटा हुआ लहसुन। अच्छा, मेरी जो स्टील की पतील ये फ्राई पैन है तो ये बहुत गर्म है, अभी भी काफ़ी देर तक गर्म रहती है, तो मैंने इसका चूल्हा स्लो कर दिया है कि वो ओवर ना हो जाए लहसुन। तो आधा मिनट तक हमें फ्राई करना है, आधे 1 मिनट हो जाए तो इसमें डाल दीजिए 1 छोटा चाय का चम्मच शेजवान चटनी या शेजवान सॉस, 1 छोटा चाय का चम्मच चिली सॉस, 1/2 छोटा चाय का चम्मच सोया सॉस, 1/2 छोटा चाय का चम्मच विनेगर और 1/4 छोटा चाय का चम्मच काली मिर्चों का पाउडर, 1 टेबल स्पून टमाटर सॉस और इसे मिक्स कीजिए। अब डाल दीजिए 1/2 चाय का चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, मिक्स कर लीजिए। और ये सॉसेस ना जल जाए इसके लिए मैं 1/4 कप जितना पानी डाल रही हूँ, मिक्स कर लेती हूँ। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे 1 से 2 मिनट तक मीडियम आंच पर थोड़ा उबाल खिला लीजिए। 1 से 2 मिनट के दरमियान में ही मैं यहाँ डाल देती हूँ 1/2 छोटे चाय का चम्मच शक्कर और इसे मिक्स कीजिए। और जब 1 से 2 मिनट हो जाती है तब 3/4 टेबल स्पून या 1 टेबल स्पून कॉर्नफ्लावर को 1/2 कप पानी में डालिए, घोल बना लीजिए और वो सारा डाल दीजिए स्लरी कॉर्नफ्लावर की, मिक्स कीजिए कंटिन्यूसली और आप देखेंगे अच्छा खासा थिक होने लगेगा। मैं चूल्हा स्लो कर देती हूँ क्योंकि मेरी जो फ्राई पैन है ना वो बहुत जल्दी गर्म हो जाती है। चलिए अब मैं इसका चख लेती हूँ। अच्छा, अब मैं जब नमक चख रही हूँ तो मुझे थोड़ा कम लग रहा है नमक, थोड़ा सा मैं ऊपर से डाल देती हूँ, थोड़ा सा काली मिर्चों का पाउडर भी डाल देती हूँ, 1 छोटा चाय का चम्मच शेजवान चटनी, ये सारी चीज़ों को डालकर मैं मिक्स कर लेती हूँ। वैसे ये टोटली ऑप्शनल है, आपने नहीं डालना तो कोई बात नहीं। और ये देखिए अच्छा खासा थिक हो गया है, 1/2-1 मिनट तक इसे पकने दीजिए, मैंने स्लो पर रखा है। अब फिर से चख लेती हूँ, बढ़िया सा बन चुका है। तो अब मैं डाल देती हूँ इसके अंदर, थिक भी हो चुका है तो वो जो स्टिक्स बना के रखी है फिश की मछली की वो सारी डाल दीजिए। चूल्हा मीडियम आंच कर दीजिए और इसे टॉस कीजिए, पलट पलट करें और अच्छा वेल कोट हो जाए और थिक हो जाए ग्रेवी, तो चूल्हा कर दीजिए बंद। अच्छा, कंसिस्टेंसी आपको कितनी रखनी है वो टोटली आपके ऊपर है। आपको एकदम ड्राई करना है तो आप उस हिसाब से ज़्यादा सुखा लीजिए, अगर आपको हल्का सा सेमी ड्राई रखना है मेरी तरह तो थोड़ा सा सुखाइए, हल्का तेल छूटने लगेगा तो चूल्हा बंद कर दीजिए। चाहे तो थोड़ी सी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल सकते हैं, हरा धनिया। तो चलिए मैंने इसे बंद कर दिया, अब गर्मा गर्म इसे निकालते हैं और मजेदार से सर्व करते हैं। एक एक करके फिश सैटे को इस तरीके से बराबर में लगाते जाइए और जो भी मसाला बचा हुआ ऊपर इस तरीके से ड्रिजल कर दीजिए। खूब सारी बारीक कटी हुई कोथमीर डाल दीजिए, हरा धनिया या फिर आप चाहें तो स्प्रिंग ऑनियंस भी डाल सकते हैं। तो ये बन गई मजेदार सी मच्छी, मछली गई है फिश सैटे। मैं खा के देखती हूँ, सबसे बढ़िया सी ब्यूटी है इसमें लहरमानी। बहुत अच्छा है, बहुत ही मजेदार है, अब भी खाएंगे तो खाते रह जाएंगे। और मच्छी का क्या फ्लेवर आ रहा है। और आप चाहे तो इसे फिश सैटे कहें, आप चाहे तो शेजवान सैटे फिश सैटे कहें, आप चाहे तो इसे चाइनीज फिश सैटे कहें, जो मर्जी आप कह लीजिए, बहुत ही टेस्टी है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली और फ्रेंड्स में इसके लिंक्स फॉरवर्ड ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, अगर आप बनाएं तो मेरे साथ कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। फिर से हाजिर होंगी एक नई शानदार दमदार रेसिपी के साथ या फिर ब्लॉग के साथ। अंटिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।